नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं आपके साथ अंकिता। श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच वनडे वर्ल्ड कप के मैदान में एक ऐतिहासिक घटना हो गई। श्रीलंका के अनुभवी बल्लेबाज एंजेलो मैथ्यूज टाइम आउट हो गए। मैथ्यूज 25वें ओवर की तीसरी गेंद खेलने मैदान पर आए थे, लेकिन बांग्लादेश के कप्तान शाकिब हसन ने उनके खिलाफ टाइम आउट की अपील कर दी और फिर उन्हें वापस लौटना पड़ा। मैथ्यूज अंपायर से बहस करने के बाद वापस पवेलियन लौट गए। आपको बता दें कि इंटरनेशनल क्रिकेट को करीब 146 साल हो चुके हैं और अभी तक आपने अलग अलग तरीके से आउट होते हुए बल्लेबाजों को देखा होगा, लेकिन आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में जो कुछ भी हुआ वो आपने तो क्या आपके पिता और दादा ने भी शायद नहीं देखा होगा। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के मुकाबले में श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे मुकाबले में श्रीलंका के पूर्व कप्तान एंजेलो मैथ्यूज को टाइम आउट दे दिया गया। वैसे तो बहुत से लोगों ने इसका नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन ये होता क्या है, जिन्होंने इसका नाम नहीं सुना होगा उन्होंने ऐसा होते हुए भी नहीं देखा होगा। इसकी गारंटी है और इसके नियम भी नहीं पता होंगे। तो चलिए हम आपको इस वीडियो में बताएंगे क्या है टाइम आउट और एंजेलो मैथ्यूज कैसे आउट करार दिए गए। दरअसल वनडे वर्ल्ड कप 2023 के तहत आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में श्रीलंका और बांग्लादेश की टीमें आमने सामने हैं। श्रीलंका की टीम पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी। सदीरा समर विक्रमा के आउट होने के बाद क्रीज पर एंजेलो मैथ्यूज को आना था, वो आए भी लेकिन थोड़ी देरी से, सदीरा के आउट होने के बाद 2 मिनट बाद, इसलिए उन्हें अंपायर ने टाइम आउट दे दिया। आपको बता दें कि आईसीसी के नियमों के मुताबिक कोई बल्लेबाज जब आउट होता है तो उसके बाद 3 मिनट के बाद नए बल्लेबाज को क्रीज पर आना होता है, लेकिन वर्ल्ड कप में ये वक्त 2 मिनट का ही है। मैदान पर आने के बाद एंजेलो मैथ्यूज ने अंपायर को बताया कि उनका हेलमेट टूट गया था, इसलिए वो देरी से आए, इसीलिए उन्हें कुछ राहत दी जाए, लेकिन ना तो मैदानी अंपायर और ना ही विरोधी टीम के कप्तान शाकिब हसन इसके लिए तैयार हुए। इसके बाद निराश होकर बल्ला पटकते हुए एंजेलो मैथ्यूज को वापस पवेलियन जाना पड़ा, लेकिन इतना जरूर है कि एंजेलो मैथ्यूज का नाम क्रिकेट इतिहास की किताब में जरूर दर्ज हो गया है। वही बाउंड्री के पार जाने के बाद मैथ्यूज ने कुछ ऐसा कर दिया कि अब उन पर आईसीसी का डंडा भी चल सकता है और उन्हें सजा भी मिल सकती है। आपको बता दें कि बांग्लादेश की अपील करने के बाद मैथ्यूज ने काफी देर तक अंपायरों से बहस भी की, लेकिन अंपायर माने नहीं। फिर मैथ्यूज ने बांग्लादेश टीम से बात की, लेकिन ये टीम भी नहीं मानी और नियमों के मुताबिक उन्हें आउट दे दिया गया। मैथ्यूज गुस्सा होकर चले गए और जैसे ही उन्होंने बाउंड्री पार की वैसे ही गुस्से में अपना हेलमेट भी फेंक दिया। आईसीसी के नियम के मुताबिक कोई भी खिलाड़ी इस तरीके की हरकत नहीं कर सकता, यानी वो क्रिकेट के सामान को इस तरीके से नहीं फेंक सकता, तोड़फोड़ नहीं कर सकता। ऐसा करने पर उसे सजा भी मिलती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अब देखना होगा कि आईसीसी इसे लेकर क्या कदम उठाता है। इंटरनेशनल क्रिकेट में ये पहली घटना है जब किसी बल्लेबाज को टाइम आउट दिया गया। क्रिकेट में 11 तरह के आउट होते हैं और अभी तक 10 तरीके से कई बल्लेबाज आउट हुए थे, लेकिन टाइम आउट कोई नहीं हुआ था। भारत के महान बल्लेबाज सौरभ गांगुली इस तरीके से साल 2006-2007 में साउथ अफ्रीका दौरे पर न्यूजीलैंड में खेले गए टेस्ट मैच में देर से पहुंचे थे, लेकिन उस वक्त साउथ अफ्रीका के कप्तान ग्रीन स्मिथ ने उनके खिलाफ अपील नहीं की थी, इसीलिए उन्हें आउट नहीं दिया गया। तो उस वीडियो को लेकर क्या है आपकी राय, कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ Facebook या फिर Instagram पर ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो जरूर कर लें ताकि एक भी खबर मिस ना होने पाए।